सत श्री अकाल जी तुहानू सारयां नू मेरे वल्लों। ते आज ही मैं अपना ब्लॉग शुरू किया सवेर तो शुक्रवार तो इहनू काफ़ी 5-6 दिन हो गए ब्लॉग बने नू गर्मी करके ते वॉइस नहीं सी भरी इहदे विच ते काफ़ी लेट आ रहा ब्लॉग। ते इधर जी अपने सारे काम पे ने उधर मैं हले सब्जी कटदी भी सी भिंडियां दी तो सब्जी वगैरह कट के जी सब्जी नूं मैं तड़का लाता है। तो हुण आपां नाल नाल करांगे किचन दे भांडे साफ। तो हुण किचन दे विच आपां भांडे साफ कर लांगे उधर सब्जी नूं तड़का लाता है बस फिर उस तों बाद सफाई जिहड़े रूटीन दे अपने काम हुंदे ने सवेर दे। तो हुण जी मैं लगी हाँ इत्थे सफाई करन किचन का सारा काम निबड़ गया अपना। तो इत्थों मैं सारा हुण पैप ला के पहला चंगी तरह धोवांगी सारे पासे चंगी तरह पैप नाल पहला पानी पा लैने आपां झाड़ू मैं सुक्का पहला कढ चुकी हाँ। तो हुण इत्थों सारा आपां वाइपर नाल पानी कढ लैने आ ते हुण जी मैं किचन दे विच आ गई हाँ सफाई वगैरह अपनी सारी हो गई है पोचा पुचा सारा आपां ला चुके हाँ। ते इधर अपनी सब्जी भी बन गई हुई है ते हुण आपां सारा काम कुम निबेड़ के ते चाह पीवांगे चाह रखी हुई है बनन वास्ते नाल ही आटा गुन लग नाल ही अपनी चाह बन जूगी उधर जद नूं मेरा आटा भी गुन्निया जूगा। तो इधर मैं पानी पूनी भर के रखा सीगा पीन दा ते आ बोतलां सीगियां छोटी छोटियां आ भी मैं भर के फ्रिज दे विच ला रहांगी। तो आटा भी आपां गुन के हुण जी डोंगे दे विच पा के ते आटे नूं आपां रख दांगे जी फ्रिज दे विच हुण रैसट वास्ते। तो फिर आपां चाह वगैरह पी लांगे कम अपना सारा निबड़ गया। तो आटे वाली परात नूं भी मैं नाल ही धो दांगी बाद चो फिर सुक जांदा आटा नाल ही धोनी फिर सौखी रहिंदी है फटाफट। तो लो जी हुण अपना सारा काम अपना निबड़िया होया है। तो हुण किचन की पहला सफाई आपां करती सीगी बाकी मैं नाल दी नाल जिहड़ा माड़ा मोटा पानी जिहा हो गया सेल्फां ते उत्थे भी कपड़ा मार दांगी। तो हुण जी आपां चाह वगैरह पी के भी फ्री हो गए सीगे रोटी नूं हले काफ़ी टाइम हैगा आपां 12:30 बजे शुरू करांगे फुलके बनाउणे। ते आ वेखो जी आ ठंडे ठंडे फर्श ते ना कीड़ियां आईयां होईयां किन्नियां ते पंख वाली कीड़ियां ने पता नहीं किद्दां दीआं किन्नियां इकट्ठियां होई पईआं मैं इत्थे थोड़ी जी वीडियो बना ली इहनां दी। ते हुण जी अपना 12:30 बजे दा टाइम है ते आपां हुण जी हाथ धो के ते चलदे आ किचन दे विच दोपहर दी रोटी की तैयारी करते हैं। अद्धी तैयारी तो पहला होई पी है सब्जी बनी पी है आटा गुन्या पिया ते रायता भी अपना तैयार ही हुंदा फ्रिज दे विच रख्या होया सी ठंडा होने वास्ते। सब्जी नूं आपां हुण गर्म करांगे तवा रख लिया आपां जी फुलकियां वास्ते हुण नाल नाल बणनगे गर्म गर्म फुलके ते नाल नाल आपां सारयां नूं पा के ते देई चलांगे रोटी। ते गर्मी करके जी काफ़ी दिनों तो मेरा ब्लॉग पिया होया सी एडिट वगैरह करना सीगा ते हले
वाइस भी भरनी सीगी। गर्मी च कुछ दिल नहीं करता पा सीगा, बहुत बुरा हाल होया। दोबारा तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, मरण वाला हाल किया होया गर्मी ने। तो इधर जी प्लेट दे विच मैं रोटी पाती है। तो हुण जी आपां दोपहर का अपना रोटी रोटी का काम निबड़ गया सी। 3:30 का टाइम है, बहुत ज़्यादा धुप पै रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी सीगी। तो इधर मैं शाम की दाल भी धरती सी, दाल भी अपनी बन गई है। दाल आपां जी माँ तो उम्मी बनाई है, तो दाल मैं देख चेक कर बनाया से ठंडा ठंडा। दोपहर का टाइम सी, हूँ जी शाम का टाइम। इधर दाल लगा रही थी, वेखो जी शाम वगैरह हाले तक भी काफ़ी तेज हैगी है। इधर मैं नाल सड़क भुंदी पी हाँ, फटाफट आप भी फ्री हो गए उठते ठंगे ताज़ी हवा के बीच। सड़क अपना तैयार है, बस हम आप दाल दे पा दें। दाल थोड़ी जी गाढ़ी सी, तेरे विच फिर मैं थोड़ा जा पानी गर्म करके पा दाँगी। हूँ लो जी रात का टाइम है, अपना दाल फुलका बन के तैयार है। तो नाल आप अंब का अचार पाया से थोड़ा जा, वो भी ले लेंगे नाल ही। थोड़ी जी दोपहर की सब्जी वो भी नाल ही गर्म करके खा लेंगे। तो आ हैगा जी शनिवार का टाइम, साढ़े इधर जी पूरे 9 घंटे लाइट बंद रही है। शनिवार को बहुत ज़्यादा गर्मी पै रही थी, उधरों लाइट बंद, बुरा हाल हो गया। पखियाँ चल चल के उधरों धुप इन्नी तेज, मौसम इन्ना गर्मी वाला, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी ने बुरा हाल किया। दोबारा फिर तो